तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है लोकल सेल्फ गवर्नमेंट यानी स्थानीय स्वशासन या स्थानीय स्वशासन। इसके अंदर हम दो तरीके से बात करेंगे, जैसे कि पहला तो है यहाँ पर गांव में स्थानीय शासन और दूसरा है शहरों में, ठीक है ना। इन दोनों का ही पर्पस क्या है, लोकतंत्र में लोगों की ज्यादा से ज्यादा भागीदारी लाना। कौन से लेवल पर, लोकल लेवल पर। आप सभी को पता है कि फेडरल सिस्टम है इंडिया में, सेंट्रल लेवल पर गवर्नमेंट है, स्टेट लेवल पर गवर्नमेंट है और लोकल लेवल पर भी गवर्नमेंट है। लेकिन लोकल लेवल जो है वो 73rd और 74th अमेंडमेंट के बाद जो है वो संवैधानिक तरीके से काम कर रहा है। उससे पहले भी लोकल लेवल पर यानी पंचायती राज व्यवस्था थी, लेकिन उस तरीके से काम नहीं कर रही थी जिस तरीके से करना चाहिए था, ठीक है। तो इसके बारे में ही हम बात करेंगे कि स्थानीय जो स्वशासन है या स्थानीय जो शासन है उसका महत्व क्या है। इसके अलावा बात करेंगे यहाँ पर कि जो अमेंडमेंट है हमारा 73rd और 74th, इनके अंदर क्या क्या प्रावधान शामिल थे। इसके अलावा कार्य और जिम्मेदारी क्या क्या रही, ये हम देखने की यहाँ पर कोशिश करेंगे। चलिए नेक्स्ट हम यहाँ पर देखते हैं पंचायती राज व्यवस्था जो है वो कैसे काम करती है और उसका मेन पर्पस क्या है। तो पंचायती राज व्यवस्था एक ऐसी व्यवस्था जिसमें शक्तियों का विकेंद्रीकरण किया गया है। आपको पता है क्योंकि इंडिया में फेडरल सिस्टम है यानी फेडरेशन बनाया गया है, तो यहाँ पर क्या है कि सेंटर के पास अलग पावर है, स्टेट के पास अलग पावर है और लोकल गवर्नमेंट भी है जिसके पास उसको कुछ शक्तियां दी गई है, ठीक है। मतलब इनके पास शक्तियों का बंटवारा कर दिया गया है। इसको इसको ही बोला जाता है शक्तियों का डिसेंट्रलाइजेशन या फिर विकेंद्रीकरण। इसकी पलट स्थिति हो जाती है केंद्रीकरण, यानी जब पावर का डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होता, पावर जो है वो एक ही लेवल पर एकत्रित होती है, आप ये कह सकते हैं, ठीक है। तो सत्ता तथा प्रशासनिक शक्तियों को विभिन्न क्षेत्रों में विभाजित किया जाता है और पावर का डिस्ट्रीब्यूशन जो सही तरीके से पूरे देश में हो पाता है और योजनाओं का लाभ सिर्फ किसी एक लेवल पर नहीं हर लेवल पर उठाया जा सकता है। तो पंचायती राज संस्थाएं जमीनी लोकतंत्र लाती हैं और विकास को बढ़ावा देने के लिए इंपॉर्टेंट होती हैं। इसका उद्देश्य होता है कि लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण की प्रणाली विकसित हो और लोगों की भागीदारी ज्यादा से ज्यादा हो। तो ये इसका मेन पर्पज है लोकल सेल्फ गवर्नमेंट लाने का, कि लोगों की भागीदारी है वो ज्यादा से ज्यादा हो। देखिए आपको पता है कि जो सेंटर है वो कानून बनाता है और सब पे लागू होता है। हर स्टेट के पास अपनी अलग डाइवर्सिटी वाली बात होती है, जैसे कि महाराष्ट्र का जो इन्वायरमेंट है वो बंगाल के इन्वायरमेंट से अलग है, ठीक है। ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, तो हर स्टेट में अलग अलग डाइवर्सिटी, खाना पीना, भाषा, बोल चाल, बोली, ये सब कुछ अलग होता है, पहनावा। तो वहाँ इसके अलावा कोई स्टेट छोटा होता है, कोई स्टेट बड़ा होता है, तो वहाँ की नीड भी अलग अलग होती है। तो स्टेट वाइज क्योंकि शक्तियों का डिस्ट्रीब्यूशन किया गया है, तो उनको बेहतर तरीके से पता है कि वो वहां पर किस तरीके की योजनाओं को बना सकते हैं ज्यादा अच्छे से उस स्टेट को आगे लाने के लिए। ऐसे स्टेट के अंदर भी लोकल गवर्नमेंट लाई गई है ताकि वो रोजमर्रा की जिंदगी जो लोगों को परेशानी होती है, जैसे नहर हुई या फिर शिक्षा हुई, सिंचाई, कृषि, ये सब चीजें हैं, तो उनके ऊपर थोड़ा ध्यान दे पाए, है ना। तो सत्ता का जो बंटवारा है वो लोकल लेवल तक भी गया है। त्वरित सामाजिक आर्थिक प्रगति सुनिश्चित करना और पर्याप्त न्याय प्रदान करना, यही लोकल गवर्नमेंट का क्या है उद्देश्य था लाने का। संविधान में 73rd अमेंडमेंट हुआ 1992 में, इसको पारित किया गया और 24 अप्रैल 1993 को इसको लागू किया गया। ये याद रखना है आपको, डेट पारित कब किया गया और लागू कब किया गया, इस पे आपको थोड़ा सा ध्यान देना है, कंफ्यूज नहीं होना है। इस अधिनियम ने राज्य सरकारों को आवश्यक कदम उठाने के लिए अधिकार दिए, जिसमें कि ग्राम पंचायतों को औपचारिक रूप दिया जा सके और उन्हें स्वयं की इकाइयों के रूप में काम करने की मदद मिल सके। देखिए आपको सिर्फ बोल दो कि आपके पास पावर है तो सिर्फ इतने भर से ही काम नहीं चलेगा, पावर देने के साथ साथ आपको पूरे की पूरा जो सिस्टम है वो बैठाना पड़ेगा, सिस्टम बनाना पड़ेगा। जैसे कि आपके पास पैसा कहाँ से आएगा, लोकल गवर्नमेंट के पास काम तो करने हैं, सब कुछ ठीक तो करना है, सुविधाएं देनी है लोगों को, लेकिन पैसा कहाँ से आएगा, तो उसके लिए भी प्रावधान है, ठीक है। तो 74th जो अमेंडमेंट हुआ था संविधान, इसमें 1992 में ये किया गया था और 1 जून 1993 को ही लागू हुआ था। इसमें 9A जो है पार्ट जोड़ा गया था, ये यहाँ से क्वेश्चन आ जाता है कौन सा पार्ट जोड़ा गया था, 9A, और अनुच्छेद 243P से लेके 243ZZ तक इसमें प्रावधान शामिल है, जिसमें कि बताया गया है इसकी कार्य शक्ति और ये सब चीजें। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज है, अनुसूची पूछी जा सकती है कि 11वीं अनुसूची किससे रिलेटेड है, पंचायती राज व्यवस्था से रिलेटेड है। 1992 में 73rd अमेंडमेंट हुआ था तो ये वाली सूची जोड़ी गई थी, इसमें पंचायतों की शक्तियां, उसके अधिकार, जिम्मेदारियों की चर्चा की गई है, ठीक है। 1992 में 74th जो अमेंडमेंट हुआ था उसके तहत नगरीय क्षेत्र के प्रशासन की बात की गई है, यानी 73rd तो गाँव से रिलेटेड था यानी पंचायती राज व्यवस्था,
और 74th अमेंडमेंट शहरों से रिलेटेड था, यानी इसमें नगर पालिका की बात की गई है। और कौन सी अनुसूची जोड़ी गई है? 12वीं, और इसमें जोड़ी गई है 11वीं अनुसूची, ठीक है। इसके कार्य शक्तियाँ सब कुछ इसमें शामिल है, और इसके विषय भी इसमें मेंशन है, 18 विषय। नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर कुछ चीज देखने वाली है आपको, अगर बोला जाए कि क्या ये अचानक से 74th अमेंडमेंट हुआ और चीजें अलग हो गई, नहीं ऐसा नहीं है। ये बात हो रही है 1882 की। प्राचीन भारत में भी सभा के नाम से जाना जाता था इस तरह की संस्थाओं को, लेकिन 1882 में लॉर्ड रिपन के टाइम में एक मुकामी बोर्ड था, या फिर इसको लोकल बोर्ड भी कह सकते हैं। इसका मेनली यही काम था, है ना, इसी निकाय, इसी तरीके का ये एक निकाय था, लोकल गवर्नमेंट टाइप। इसके बाद अगर बात करें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट की, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 वाला, इसमें भी कुछ इसी तरीके की पंचायतों की बात की गई है। ग्राम पंचायत वर्ड यहाँ पर यूज हुआ है, ग्राम पंचायत। और फिर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 में भी यही चीज जारी रही। मतलब ये कि स्टार्टिंग से ही जो ये लोकल गवर्नमेंट है, ये गांधी जी ने बोला था, काफी सारे लोगों का मानना था कि लोकल लेवल पर गवर्नमेंट होनी चाहिए ताकि सत्ता का जो पावर का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो सबके पास तक जा सके, ठीक है। महात्मा गांधी ने बोला था कि आर्थिक और राजनीतिक सत्ता के लिए यहाँ पे ये विकेंद्रीकरण होना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं। अब कुछ एक समिति भी आई थी 1987 के बाद, ये चीज कंफर्म होने लगी थी कि भाई लोकल सेल्फ गवर्नमेंट जो है वो बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि जो पावर है उसका डिस्ट्रीब्यूशन जब तक नहीं होगा, तब तक लोकल लेवल पे जब तक काम नहीं होगा, तब तक सब कुछ सही नहीं हो सकता। तो थुंगन जो समिति थी, इसने पंचायती राज व्यवस्था को शक्तिशाली बनाने के लिए और मेनली इसको संवैधानिक दर्जा दिलाने की बात की थी, सिफारिश की थी, परंतु और ये क्या था, 1989 में इसने विधेयक प्रस्तुत किया था, लेकिन राज्यसभा में बहुमत न होने की वजह से पारित नहीं हो सका था। बलवंत राय मेहता समिति से क्वेश्चन आपको आ सकता है, ये इंपॉर्टेंट है। इसमें पूछा जा सकता है आपसे क्वेश्चन कि पंचायती राज व्यवस्था में त्रिस्तरीय जो मॉडल है वो कौन से समिति द्वारा प्रस्तुत किया गया था, तो ये था बलवंत राय मेहता समिति द्वारा। और इसे सुझाव दिया कि पंचायती राज की संरचना में ग्राम, प्रखंड और जिला स्तर पर शामिल इसको होना चाहिए। राष्ट्रीय विकास परिषद ने 1958 में समिति की सिफारिशों को मंजूरी भी दे दी थी, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट बिल्कुल सही लगा था। ग्राम पंचायत, ब्लॉक पंचायत और जिला पंचायत बोला जाता है इसको, ठीक है। मतलब त्रिस्तरीय मॉडल क्या है, यानी तीन लेवल पे काम होगा। अब वो तीन लेवल पे कैसे काम होगा, सबसे पहले यहाँ पर ग्राम पंचायत की बात हो रही है, इसमें एक या एक से ज्यादा क्षेत्र शामिल हो सकता है। दूसरा ये है ब्लॉक पंचायत, इसको अलग अलग प्रदेश के आकार के हिसाब से मंडल, तालुका या फिर प्रखंड भी कहा जा सकता है। मध्यवर्ती इसको नाम दिया गया है कि मध्यवर्ती स्तर भी इसको कहा जाता है। जिला पंचायत, इसमें पूरे के पूरे जो ग्रामीण इलाका है वो सारा इसमें शामिल है। इसके अलावा जो ग्राम सभा है, संविधान में मेंशन है कि ग्राम सभा का होना बिल्कुल अनिवार्य है, यानी कंपलसरी है इसका होना। और जितने भी वोटर्स हैं उनका नाम दर्ज होता है वोटर लिस्ट में, वो सब इसके व्यस्क और व्यस्क व्यक्ति भी हैं, वो सब ग्राम सभा के सदस्य होते हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे चुनाव। अमेंडमेंट से पहले चुनाव होते थे, लेकिन किस तरीके से होते थे, नियमित तरीके से होते थे या नहीं होते थे, यही तो प्रॉब्लम थी। तो इसको सॉल्व करने के लिए जब अमेंडमेंट हुआ, तो उसके बाद से चुनाव की जो समस्या है वो बिल्कुल खत्म ही हो गई। हर 5 वर्ष में चुनाव होगा, और अगर पंचायत भंग हो जाती है इस बीच में 5 वर्ष से पहले ही, तो कितने महीने के अंदर आपको दोबारा से चुनाव करवा लेना होगा, ये है 6 मंथ्स। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये पूछा जाता है आपसे, ठीक है, कि कितने टाइम में दोबारा से चुनाव हो जाना चाहिए, 6 महीने के अंदर चुनाव, नए चुनाव हो जाने चाहिए, ये मेंशन है यहाँ पर। इसके बाद यहाँ पर आरक्षण की बात करेंगे। आरक्षण में क्योंकि सभी के पार्टिसिपेशन की बात की है, तो उन सभी ग्रुप को इसमें लाया गया है जिनका पार्टिसिपेशन पहले कम रहा था, जैसे महिलाओं को, एससी एसटीज को पार्टिसिपेशन लाया गया, महिलाओं का 1/3 कह सकते हैं, 1/3 सीट रिजर्व, और इनकी जनसंख्या के अनुपात में, ठीक है, जनसंख्या के अनुपात में रिजर्व की गई सीट। ऐसे नहीं कि महिलाओं के लिए मेनली, तो महिलाओं का इसमें रोल देखा गया है, क्योंकि महिलाओं के लिए जो चैप्टर आपका शुरू होता है वो भी महिलाओं की ही एक स्टोरी से होता है कि महिलाओं ने सरपंच के तौर पर किस तरीके से काम किया था। तो इनको सिर्फ सदस्य बनने के लिए आरक्षण नहीं मिला, इनको सरपंच जैसे बड़े पदों के लिए भी आरक्षण मिला हुआ है, यही चीजें यहाँ पर। अब हम बात करते हैं आगे विषयों का स्थानांतरण। तो संविधान के संशोधन में 29 विषयों को स्थानीय शासन के हवाले किया गया, यानी टोटल इसमें 29 विषय रखे गए, और
जिसमें कि स्थानीय विकास तथा कल्याण की जरूरतों से ये संबंधित थे। तो बहुत सारे ऐसे विषय थे। अभी हम यहाँ पर देखेंगे कि 11th जो आपकी सूची थी उसमें क्या क्या था। चलते हैं आप नेक्स्ट स्लाइड पर अपनी। देखिए यहाँ पर एक बात आती है शहरी इलाका। मैंने आपको बताया 74th जो अमेंडमेंट है वो आपका अर्बन था, यानी वो आपका शहरी स्थानीय शासन को लेकर था। ठीक है, ये तो ठीक है, लेकिन अब ये कैसे डिसाइड करेंगे हम लोग कि किसको हम गांव में रखें कैटेगरी में, किसको शहर या कस्बे की कैटेगरी में रखें, बड़ी सिटी यानी बड़े शहर छोटे शहर को इनको कैसे डिवाइड करें। तो जो जनगणना थी उसको आधार बनाया गया, और ऐसे इलाकों में कम से कम जहां पर 5,000 की जनसंख्या है उसको शहरी इलाका कहा गया। कामकाजी पुरुषों में कम से कम 75% ऐसे लोग होने चाहिए जो कि खेती बाड़ी से अलग काम करते हों। ठीक है, जनसंख्या घनत्व कम से कम 400 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर हो। विशेष अनेक रूपों में 74वां संशोधन 73वें जैसा ही है, बिल्कुल यानी बोला गया जैसे 73वां संशोधन था सेम 74वां भी वैसे ही है, बाकी सब चीजें बिल्कुल वैसी ही है। राज्य वित्त आयोग इसमें प्रदेशों की सरकार के लिए जरूरी है कि वह हर 5 साल में एक प्रादेशिक वित्त आयोग की स्थापना करें या बनाए, जिसमें कि सारी चीजें डिस्कस की जाएंगी और आर्थिक स्थिति क्या है संस्थाओं की ये भी जानकारी ये चीज रखी जाएगी। अब ये है कि उनको ये तो बोल दिया गया कि काम करना है, लेकिन किस तरीके से बजट हो रहा है, किस तरीके से काम चल रहा है, ये भी तो देखना जरूरी है ना। चलिए ये तो अपनी नेक्स्ट स्लाइड आ गई, नेक्स्ट पीपीटी की, नेक्स्ट हमारी वीडियो की। यहाँ पर कुछ विषय वाली ये था, ये रहा यहाँ पर स्थानीय शासन के समक्ष समस्याएं क्या हैं और विषय क्या है इसके 11वीं अनुसूची में, ये तो बताइए आपको। सड़कें, ग्रामीण विकास, लघु उद्योग, सिंचाई, बाजार मेला, ग्रामीण विद्युतीकरण, कृषि, शिक्षा, पेयजल, कुछ ऐसे ये विषय हैं। ठीक है, अब स्थानीय शासन जो है उसके समक्ष चुनौतियां क्या है, चाहे वो शहर को हो, शहर में हो या फिर गांव में हो, चुनौतियां क्या है। भाई चुनौतियां वही हैं जो कि हर किसी के सामने होती हैं। पैसे का अभाव, चीजें बंद तो हुई लेकिन इतना पैसा आएगा क्या। वित्तीय मदद के लिए सरकारों पर निर्भर, पहले ये समस्या ज्यादा थी लेकिन जब से संवैधानिक दर्जा मिला है तब से थोड़ा सा काम चीजों का डिस्ट्रीब्यूशन ठीक तरीके से हो गया है, तो थोड़ी राहत वाली बात होती है। आय से अधिक खर्च करना, दूसरा है, फिर लास्ट है जनता का जागरूक न होना। तो जनता को भी जागरूक होने की जरूरत है, पार्टिसिपेशन करने की जरूरत है ना। तो ये थी आज की वीडियो। अभी आएगी एमसीक्यूज की, जो प्लेलिस्ट है उसको देख लीजिए एमसीक्यूज की। फिलहाल जो बचे हुए टॉपिक्स हैं उनकी एक साथ ही एमसीक्यूज आ जाएगी एक बार सिलेबस कंप्लीट होने के बाद। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो। पढ़ाई अपनी जारी रखिए और अच्छे से मन लगा के पढ़िए। थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो।